देश में आए दिन पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर धीरे धीरे आम लोगों की जेब के ऊपर भी पड़ने लगा है और ख़ास तौर पर बसों के किरायों में पंजाब में बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस समय हम मोहाली के बस स्टैंड पर हैं जहां पर काफ़ी तादाद में जो किरायों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस समय आपको दिखाई दे रही है जो बस होशियारपुर जाने वाली है और बस के कंडक्टर से बातचीत करेंगे कि कितने किरायों में बढ़ोतरी कर दी गई है। आप ये बताएं कि आप बस को होशियारपुर लेके जा रहे हैं और कब से ये किराए बढ़ा रहे हैं? सर किराए जी कल से बढ़े हैं जी। पहले तो सर 175 किराया था सर, अब 180 हो गया जी मोहाली से होशियारपुर का। मोहाली से होशियारपुर, इसी तरह लुधियाना में भी 105 था 115 हो गया है। हाँ जी उससे भी हो गया जी। तो लोग कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि जेब के ऊपर भार पड़ रहा है क्योंकि डीजल के कीमतों में भी काफ़ी वृद्धि हो गई है। हाँ जी वो साफ से किया हुआ ना इनके, उसके हिसाब से किया होगा। तो कुछ सवारियां भी यहां पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है और जानेंगे कि उनकी जेब के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। इस समय ये होशियारपुर जाने वाली बस है और बस में यहाँ पर सवारियाँ नाम मात्र ही हैं, बेशक पेट्रोल और डीजल। ये बताएं आप कहाँ जा रही हो? होशियारपुर जाना सर। होशियारपुर जाना है तो आपको पता है कि किरायों में वृद्धि हो गई है, पहले किराया कम था और अब ज़्यादा। सर हम तो फर्स्ट वाली जा रहे हैं तो लग रहा है कि जेब के ऊपर पहले होशियारपुर का किराया कम होता था और आज 5 रुपये बढ़ गया। हाँ जी सर। तो इससे असर पड़ता है घर के खर्चे में? पड़ता है सर। हैं? पड़ता है। आपने कहाँ जाना है? होशियारपुर। पहले किराया कम था अब ज़्यादा हो गया है। हाँ जी ये रहा है। तो आपकी जेब के ऊपर कितना असर पड़ रहा है? ये घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है जी। तो आपको लगता नहीं कि डीजल और पेट्रोल के रेट जो कम करने चाहिए आपकी जेब से जा रहा है सारा कुछ? सर हम तो चाहते हैं भी कम होए करने। बिल्कुल ही यहाँ पे बेशक जो सवारियाँ हैं वो कम भी हैं और दूसरी सवारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। और जिस तरह से लगातार ही किरायों में वृद्धि हो रही है, आप बताएं कि आप कहाँ जा रहे हो? होशियारपुर। तो किरायों में एकदम वृद्धि हो गई है, डीजल के रेट भी बढ़ गए हैं। सरकार कह रही है कि डीजल बढ़ने के कारण ही बसों के रेट किरायों में वृद्धि करनी पड़ी। डीजल कौन बढ़ा रहा है? सरकारी बढ़ा रही है। बस को किराया भी सरकारी बढ़ा रही है। तो आपकी जेब कामकार एक तो कामकार को चल नहीं रहा, पब्लिक पैसे ही वैसे ही बहुत दुखी है, ऊपर से किराए बढ़ रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। पर दोहरी मार पड़ रही है। दोहरी तेरी ये मार पड़ रही है, सभी पर पड़ रही है। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को? बिल्कुल सोचना चाहिए, सबसे पहले इसी को सोचना चाहिए। एक तो पहले बहुत लोग तंग हैं, कामकार कोई नहीं चल रहा, दुखी है सब लोग, उससे पैसा दिला कहीं से आ नहीं रहा और ऊपर से किराए बढ़ रहे हैं। ये थे कुछ लोग जो बता रहे हैं कि इस समय कोरोना के समय में किसी भी तरह से उनका कोई कामकाज नहीं है, बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है और जो उनकी जेब है जेब के ऊपर दोहरी से तीसरी तिहरी मार भी पड़ रही है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 मोहाली।